की गई भक्ति और प्रेम से श्री कृष्ण सहज रूप से मिल जाते हैं। जिस प्रकार गोपियाँ निस्वार्थ भाव से और अहंकार रहित श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, उसी प्रकार की भक्ति हमें भी करनी चाहिए। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, वैसा ही व्यक्ति श्री कृष्ण को पाने के योग्य है। क्योंकि श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो उन्होंने अपने बाल लीलाओं से गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर देवराज इंद्र के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया था। ऐसा मनुष्य जो कि अपनी शक्ति, धन, दौलत, वैभव या फिर व्यक्तित्व जैसी चीजों का अहंकार करता है, स्वयं को ही सर्वस्व मानकर भगवान से खुद को श्रेष्ठ मानता है, अहंकार में आकर श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख होता है। ऐसे मनुष्य को न श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं और न ही अंत में उनका वो लोक नाम। जन्मांतर सहस्त्रेण तपो ध्यान समाधिना नराणा क्षीण पापाना कृष्ण भक्ति प्रजायते, अर्थात सहस्त्र जन्मों में किए गए तप, ध्यान और समाधि के द्वारा जिस मनुष्य के पाप क्षीण हो गए हैं, केवल ऐसे मनुष्य में ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। कुछ इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति तप, ध्यान और समाधि आदि जैसे पवित्र धर्म कार्यों से दूर रहकर श्री कृष्ण से विमुख रहा है, ऐसे व्यक्ति के पाप ज्यादा और पुण्य क्षीण है, इसीलिए उनमें श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न नहीं होती। अब जानते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण से और उनकी भक्ति से विमुख रहता है, उसके साथ क्या होता है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की निंदा करता है या फिर उनकी भक्ति से विमुख रहता है, वह सदैव ही अधोगति को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद भी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता, बल्कि उसे हीन योनियों में यानी कि कीट, पतंगे, पशु और पक्षी के स्वरूप में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। ऐसा होने पर सबसे बड़ा संकट तो ये आता है कि कीट, पतंगे और पशु पक्षियों के स्वरूप में वह मनुष्यों की तरह श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकता और साथ ही वो ना तो श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए और श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करने के लिए उसे पुनः 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, और जब तक कि उसे मनुष्य अवतार प्राप्त नहीं होता, उसे विविध प्रकार की पीड़ा और यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसी कारण से कहा गया है कि भगवान ने जिन्हें भी मध्यलोक यानी कि पृथ्वी पर भेजा है, उन्हें इन अनंत पीड़ा और यातनाओं से बचने के लिए और श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करने के लिए सदैव ही श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख होता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।